गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपीएस स्टडी स्टूडियो छाना पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज का जो हमारा रिवीजन सीरीज होने वाला है, या फिर जो आज हमारा रिवीजन का पार्ट रहने वाला है, वो है वेब का करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम बाकी का फिर कैसे होगा, क्या होगा। सो डोंट वरी फॉर इट, वो पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए कवर हो जाएंगी, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आपके लिए रिवीजन ज़्यादा मैंडेटरी था, तो यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉल करते हुए चलेंगे। हर एक न्यूज़ जो आपके फेब के टाइम पे इंपॉर्टेंट रही है, उन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये पर्टिकुलर सेशन आपके हर एग्जाम को कवर कर रहा है। सो प्लीज़ एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो आगाज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की। और कूल ना, कमेंट भले ही ना पढ़ पाए, लेकिन मुझे पता है कि सब बढ़िया होगा, अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, तो आइए जरा आगाज करेंगे और शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, प्रोजेक्ट अरोहण जो है ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेट के अंदर इसको लॉन्च किया गया, और ये 4 साल का मेंटोरशिप है। मेंटोरशिप का मतलब क्या है? देश का मेंटोर। आपको याद होगा कि ये एक प्रोग्राम था जिसको दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी देखने को मिल रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आसाम इसका राइट आंसर है। यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग वगैरह जो है वो बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्सेज जो है इन्होंने अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया, बट आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो पोस्टपोन हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बताइए, एक्सरसाइज का नाम है कोबरा वॉरियर 2022। सवाल कह रहा है कि ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इसका आयोजन कहाँ पर होना था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा यूके के अंदर इसका आयोजन होना था। अगर आपसे पूछा जाता है सपोजिंगली कि ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और कौन से देश के बीच में होनी थी, तो यूके के बीच में होनी थी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही देश आने थे, इसमें मल्टी नेशंस का पार्टिसिपेशन होना था, और यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो जा रहा था दैट वाज तेजस। ठीक है, इंडिया की तरफ से जो जाना था वो तेजस था, बट इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको फेब में सेलिब्रेट किया जाता है, 24th of February को इसका आयोजन होता है। इन केस आपसे अगर कहा जाए कि ये बताओ कि ये जो एक्सरसाइज डे है या एक्साइज डे जो है ये कौन से टाइप का टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है। और ये ध्यान रखिएगा कि व्हेन वी से जीएसटी, तो जीएसटी के अंदर भी जो आपको टैक्सेस मिलते हैं वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल, आप कभी शॉपिंग वॉपिंग पे जाते हो, है ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, अलग अलग टाइप के यहाँ पे टैक्सेस होते हैं। फाइन, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जीएसटी है ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो किसी भी गुड या किसी भी सर्विस के ऊपर आपको पे करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 24th of February। नेक्स्ट पे आ जाओ, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ में इंडिया ने ब्लू इकोनॉमी के एक प्रोजेक्ट को साइन किया है, या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है? अच्छा, जो बच्चे क्लास में बाद में ऐड हो रहे होंगे या फिर बाद में जुड़ रहे होंगे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये आपका रिवीजन सेशन है और ये आपका रिकॉर्डेड मोड पे है। तो प्लीज़ रिवीजन के टाइम पे रिवीजन करते चलिए। जो भी चीज़ें आपकी बच रही हैं या फिर जो भी चीज़ें अभी आपकी छूट रही हैं, उसकी टेंशन मत लेना, वो मेरे पार्ट पे आप छोड़ दीजिए, वो हम आपका कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो वो आप इतना मत सोचना कि अरे यार अब उसके क्लास को देखना पड़ेगा, उसके क्लास को देखना पड़ेगा, उस एजुकेटर के पास जाना पड़ेगा, उसके कुछ नहीं करना है। शांति से जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कर लो। जो भी आपका रिमेनिंग है, जो भी अभी आपका यहाँ पे कंटेंट रह रहा है, सब मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है। यूजुअली आई ट्राई कि जो न्यूज़ है वो आपको पूरे दिन भर के इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पे शेयर कर दूं, प्रति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल पे। और इनकी जो एनालिसिस है वो भी टेंशन मत लेना, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में पढ़ा के वो हम पूरा पूरा आपका खत्म भी करवा देंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया एंड फ्रांस इसका राइट आंसर बनेगा। ये जो है ना, ये ब्लू इकोनॉमी के बारे में, किसके बारे में है ये? ब्लू इकोनॉमी के बारे में आपको ये देखने को मिलेगा। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है? कोस्टल एरियाज हो गए, या फिर यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे सी होते हैं, ओशियंस होते हैं, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनसे हमें यहाँ पे कैसे सस्टेनेबल तरीके से उसको डेवलप करना है और उनका इस्तेमाल करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा फ्रांस, राइट। चलिए, नेक्स्ट पे आइए, 2021
रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, ये अवार्ड किसको दिया गया है? रामानुजन अवार्ड आप सभी लोग जानते हो कि व्हेन वी से रामानुजन अवार्ड, तो ये जो अवार्ड है ये मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है, राइट? और अगर हम नोबेल की बात करें मैथ्स की फील्ड में, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वो होता है एबल अवार्ड, जिसे हम नोबेल प्राइज फॉर द मैथ्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या है, नीना गुप्ता, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल है, कौन सी ऐसी इसमें से कंट्री है, ठीक है, जिसने अभी हाल ही में सी डोम मिसाइल को टेस्ट किया है? देखो, डिफेंस सिस्टम जो होता है वो हर कंट्री का होता है, फाइन। और अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आपको याद होगा कि इसराइल ने अपना एक डोम डिफेंस सिस्टम तैयार किया था, वो तो था लैंड का वर्जन, लेकिन अभी इसराइल ने अपना जो नेवी का वर्जन है या फिर जो सी का वर्जन है वो लॉन्च किया है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसराइल ने इसको लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, सी डोम मिसाइल क्या डिफेंस सिस्टम। सी डोम तो हो गया, बट अगर आपसे पूछा जाता है थार्ड के बारे में, है ना, अगर आपसे थार्ड के बारे में पूछा गया तो ये ध्यान रखना ये यूएसए का है। और अगर यहीं पे आपसे इंद्रजाल पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसका है, डीआरडीओ का है। किसका, डीआरडीओ का। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल आपके लिए, कहा जा रहा है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसके अंदर अभी हाल ही में किसान ऐप को लॉन्च किया गया था, और कहा ये जा रहा है कि बस ये बता दो कि कौन सा आईआईटी था जिसने इस किसान ऐप को डेवलप किया है। ध्यान देना कि इसको डेवलप किया गया था खुशबू के द्वारा, जो कि बिलोंग करती है कहाँ से, आईआईटी रुड़की से। तो इसका राइट आंसर बनेगा आईआईटी रुड़की। अब देखो, किसान की बात आई है ना, तो मैंने आपसे कहा था कि सॉइल हेल्थ कार्ड पढ़ लेना, फसल बीमा योजना पढ़ लीजिएगा, पीएम किसान योजना पढ़ लेना, इन सब की अभी हाल ही में एनिवर्सरी हुई है। एनिवर्सरी का मतलब है कि कुछ साल पूरे हुए, फाइन। तो अच्छी तरीके से इनको देख लीजिएगा, एक बार से पढ़ लीजिएगा। और आप जानते हो कि इन स्कीम्स का लाइक अब लॉन्च हुई हैं, वो मंथ भी कई बार पूछ लिया जाता है, कितना पैसा दिया जाता है, जैसे कि 6,000 रुपीज़ जो है आपको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चंस आपके यूजुअली बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बताओ, इंडिया का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेमिनेटेड मोबाइल लेबोरेटरी जो है, इसको कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, कौन सी प्लेस पे इसको इनोग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर होगा नासिक, महाराष्ट्र के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपना खुद का बायो, एक कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी बिल बनाया है या एक्ट बनाया है, तो वो गुजरात है। और ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपना वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया है खुद का, तो दैट इज महाराष्ट्र। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को साथ में लेके मत चलना। अगला देखिएगा, कौन सा इनमें से ऐसा स्टेट है जो कि इंडिया का सबसे पहला स्टेट बना है जहां पे नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द फेरी सर्विसेज। फेरी सर्विसेज का मतलब क्या है, जहां, ठीक है, जो कार्गो वाले होते हैं ना, जो चलते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं, डीजल से भी चलते हैं, तो इनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अभी रिसेंटली कौन सा वाला स्टेट है जिसने इसको लॉन्च किया है, तो इसका आंसर बनेगा अपना प्यारा आसाम। आसाम के अंदर ये याद रखिएगा कि असोम डायनेस्टी जो है ना, या अहोम डायनेस्टी जो है, वो यहीं से बिलोंग करती थी। और यहाँ पर आपको एक अवार्ड भी याद रखना है, वो है आसाम या फिर असोम वैभव अवार्ड। ये वो अवार्ड है जो आसाम का हाईएस्ट अवार्ड है, जो अभी हाल ही में दिया गया था रतन टाटा जी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसाम है। लेकिन अगर कहा गया कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो वहां पर आंसर बनेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पहला ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर आपको क्या मिलेगा, सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर भी आसाम है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। बताइए, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व ऑफ इंडिया, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। ध्यान रखिएगा कि इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, बट इनकेस अगर आपसे सवाल में थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाएगा, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है कि किसके अंडर में ये रेगुलेट होता है, तो ये याद रखना इसको रेगुलेट जो है वो आरबीआई ही करेगा, कोई दूसरा इसको रेगुलेट नहीं करता है। आरबीआई इज द ओनली बॉडी जो इसको रेगुलेट करेगी। चलो नेक्स्ट पे आओ। बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सवाल में कहा जा रहा है
यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है मेकअप पति गौतम रेड्डी। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। आपको बताना है कि जो पोस्ट लिखी हुई है, इस पोस्ट के ऊपर इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। आपको स्टेट का नाम बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। गाइस, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। एंड अगेन आई रिपीट कि डोंट वरी, ये जो पूरा आपका एक वीक का छुट्टी वाला टाइम चल रहा है ना, यूज इट फॉर योर रिविजन, क्योंकि जब वापस आके क्लासेस शुरू होंगे तो वो ज़्यादा होंगे। मैं पहले ये चीज़ आपको बोल रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे अपना बैलेंस बना के रखना, वरना फिर बाद में दिक्कत होगी। इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बेस्ट मेल एक्टर, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था, इसके अंदर क्रिटिक्स में जो बेस्ट अवार्ड मिला है सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है। जो फीमेल में अवार्ड गया है वो किसको मिला था? कियारा आडवाणी को मिला था। और यहाँ पे जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था पूरे साल की, पुष्पा। झुकेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ फ्लावर, इट्स अ फायर, और हमें तो बस वही फायर ही बनना है ना। कई बार होता है कि कुछ चीज़ों के जो जवाब हैं वो आपको चुप रह के देने चाहिए, और इस चीज़ को मैंने तो बहुत अच्छे से सीख लिया। उम्मीद करेंगे कि आप भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में सीखें। कई बार ऐसा मौका आएगा कि आप चाहते तो हैं बहुत कुछ बोलना, बट यू हैव टू बी क्वाइट, आपको चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा जवाब होता है। अपनी तैयारी को भी बस ऐसे ही करिएगा, बिल्कुल ये मत सोचना कि हाँ इट्स अ रेस्टिंग मोड, सुबह सो रहे हैं 7 बजे, है ना, हाँ हम आएंगी तब देखा जाएगा, वैसा मत करना। चलो, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? रणवीर सिंह। ध्यान होगा आपको, इंडिया ने वर्ल्ड कप जब जीता था पहली बार, उसके ऊपर यहाँ पे मूवी बनी थी। और इंडिया ने जो दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था वो तो अपने धोनी भैया थे, है ना, 2011 का समय था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बताओ, कहा जा रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक होगी इसका आयोजन 2023 में कहाँ पर किया जाएगा? एस्ट्रिक मार्क लगा लेना, और प्लीज़ इसके नोट्स मत बनाना, आपकी कॉपी में सब लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है मुंबई के अंदर। कहाँ? मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो ओलंपिक्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हुए हैं। जो नई वाली कैटेगरी है वो सच में बहुत ही नई टाइप की है, जिसके अंदर आपको विंटर ओलंपिक्स मिलेंगे, समर ओलंपिक्स मिलेंगे, एंड द यूथ ओलंपिक्स विल बी देयर, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले समय में, अभी तो सेनेगल में होंगे यूथ ओलंपिक्स, बट आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज हैं कि वो इंडिया के अंदर 2030 तक कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर ऐसा कुछ आएगा तो बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, छापे रखना इसको सवाल बनेगा, क्योंकि ये जो बुक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ में जुड़ी हुई है। ये जो बुक है ये जुड़ी हुई है किसके साथ में? नरेंद्र मोदी जी के साथ में। इसके अंदर बताया गया है कि कोरोना काल में या फिर कोविड के टाइम पे 2 सालों में किस तरीके से उन्होंने इंडिया को प्रोटेक्ट करने का काम किया, कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी गई, कितना फंडिंग हुआ, ये सारी चीज़ें। और इसको यहाँ पर लिखा गया है किसके द्वारा? प्रियम गांधी मोदी के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब लैंग्वेज डे की बात करोगे तो वर्ल्ड हिंदी लैंग्वेज डे कब होता है? 10 जनवरी को होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल 14th ऑफ सितंबर को कौन सा डे होता है? हिंदी डे होता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपसे इंटरनेशनल लेवल पर मदर लैंग्वेज डे आंसर है 21st ऑफ फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। ये ध्यान रखना कि हमारे संविधान के अंदर, हमारे शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस आपको मिलती हैं 8th शेड्यूल के अंदर, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बताओ, कहा जा रहा है कि 400 नंबर की एनिवर्सरी जो है वो अभी सेलिब्रेट करी जा रही है, राइट। पूरे 1 साल का आयोजन किया जाएगा, किसके नाम पर होगा ये? लचित बारखू कान के नाम पर किया जाएगा। ये काफ़ी ब्रेव सोल्जर माने जाते हैं, असोम डायनेस्टी के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आसाम के साथ में इनका नाम जुड़ा है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा जो सेलिब्रेशन है ना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा हमारे प्रेसिडेंट, दैट इज रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट सुनिएगा, वंदे भारतम, ये एक सिग्नेचर ट्यून है जिसको लॉन्च किया गया, यानी कि एक म्यूजिक है, इसको लॉन्च किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया है? वैसे इतना कुछ खास सवाल है नहीं, बट फिर भी आपको मालूम है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी वो पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर बनेगा यहाँ पे मीनाक्षी लेखी। ये कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पोस्ट पर है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
अगला है जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। अभी हाल ही में कौन से राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना, एक सेकेंड, हाँ तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है जो भी लोग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहते हैं। इन केस जो भी ऐसे लोग हैं जिनको लाइक मनरेगा के अंदर काम करना है या जिनको अपने घर के आसपास में काम ढूंढना है, तो उनके लिए भी यहाँ पर आपको यही वाला पोर्टल देखने को मिलेगा। मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला ड्रैगिंग म्यूजियम, क्या लिखा हुआ है, निकर्षण सदन, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, सोचो और आंसर करके बताओ। म्यूजियम है, कौन हो सकता है यहाँ पे, इसका आंसर बनेगा सोनवाल जी। क्यों सोनवाल जी का नाम क्यों आएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जो है वो आपको सोनवाल जी के पास में ही मिलेगी। और ये ध्यान रखिएगा कि सोनवाल जी के पास में आपको ये जो मिनिस्ट्री मिल रही है, इनके पास एक और मंत्रालय भी है, दैट इज अ आयुष मिनिस्ट्री। इस पर्टिकुलर पोस्ट पे आने से पहले अगर आप देखेंगे तो ये सीएम थे, कहाँ के, आसाम के, ठीक है, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। चलो, और हाँ, आसाम जो है, वैसे अभी हम मार्च का भी आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ये पूरा मंथ वाइज आपका करंट अफेयर्स चल रहा है, सो दैट यू कैन ईजली रिवाइज। ओके, मार्च का करंट अफेयर्स मिलेगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आसाम स्टेट जो है उसको अगले 6 महीने के लिए अशफा लॉ के अंदर रखा गया है, कंटिन्यू किया गया है, ठीक, और वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, यानी कि अमित शाह जी के पास, ठीक है, अशफा लॉ की बात कर रहे हैं। अगला सुनिएगा, अगला सवाल यहाँ पर ये है कि ये बताइए, नरसिंह मेहता, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि इनकी एनिवर्सरी थी। सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो थे ना, ये बहुत बड़े डिबोटी थे, मतलब बहुत बड़े लाइक भक्त थे, किसके, भगवान कृष्ण के। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक स्पाइडर मिला था, है ना, उसी के नाम पे, उसका जो नाम था, मतलब इनके नाम पे रखा गया। सवाल कह रहा है कि कहाँ के रिसर्चर्स ने ऐसा किया है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा गुजरात। भाई, इनका जन्म जहाँ पे हुआ होगा वहीं पे आपको क्या मिलेगी, रिसर्चर्स मिलेंगी, और वहीं के जो रिसर्चर्स होंगे उनके रिसर्चर्स ने इनके नाम पे रख दिया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, गुजरात इसका राइट आंसर है। अगला सुनिएगा, प्रेसिडेंट कॉलर टू द 4th बटालियन, कहा जा रहा है कि पैराशूट रेजिमेंट जो है, अभी हाल ही में इनको पैराशूट रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड पुलिस की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश को दिया गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये जो अवार्ड है ना, ये कौन से बटालियन को दिया गया, तो इसका आंसर है पैराशूट रेजिमेंट। ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है, नरवरे जी के द्वारा। ये कौन है, हमारे आर्मी चीफ हैं, बट यूजुअली अवार्ड देता कौन है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि अभी ये अवार्ड इनके द्वारा दिया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आओ, बताओ देवता पंचमी, सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए, ये कोल फील्ड है, ठीक है, एक्चुअल में ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल फील्ड है, और अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहला, मतलब इन द सेंस कि एशिया के अंदर अगर आप देखोगे तो एशिया का तो सबसे बड़ा ये है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर आप बात करेंगे तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट। कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर जगह है ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी, और यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि सरकार ने कहा था कि यहाँ पे हम कोल माइनिंग करेंगे, लेकिन वहाँ की जो ट्राइब है, दैट इज संथल ट्राइब, ठीक, उनका कहना ये है कि लैंड एक्विजिशन जो है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल, संथल ट्राइब, ध्यान रखना, ओडिशा एंड दिस, लेकिन बेसिकली वो कहाँ की है, ओडिशा। कई बार क्या होता है ना, ऑप्शंस आपको दोनों मिल जाते हैं, फिर वहाँ पे आप कन्फ्यूज आ जाते हो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, है ना, कि कहाँ पर मिलती है और कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, दोनों में डिफरेंस होता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में अपने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया हुआ है, एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, और ये जो पर्टिकुलर जगह है ये आपको नंदी हिल्स के नाम से मिलता है। आंसर, नंदी हिल्स के नाम से मिलता है आंसर, बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा यहाँ पे कर्नाटका। सुनो, कर्नाटका के अंदर आपको नंदी हिल्स मिलेंगे, यहाँ से आपको एक रिवर भी देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, नहीं नाम नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट, नाम तो रिवर का ये है, पेन्नर,
रिवर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे तो इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो आपको किताबों में नहीं मिलता है, मतलब नॉर्मल जो आप बुक्स पढ़ते हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, हाँ एटलस में देखोगे तो दिख ही जाएगा। अगला सुनिएगा, बाला साहब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस वे ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। सवाल में कहा जा रहा है ये नागपुर से कौन सी जगह को जोड़ेगा, नागपुर से कौन सी जगह को ये जोड़ने का काम करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, दिस इज मुंबई। किसको जोड़ेगा? मुंबई को कनेक्ट करने का काम करेगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ विच स्टेट सीएम हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी। ये मैंने आपको कल जब जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट बताया भी था, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी या बायोटेक्नोलॉजी एक्ट जो है या बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ये सारे के सारे ना एक ही स्टेट के अंदर मिलेंगे, गुजरात। क्या है? गुजरात, ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात। नेक्स्ट पे आ जाओ, सबसे पहला भारत, क्या ये जो यूपीआई सिस्टम है ना, सबसे पहले इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने अपने आप पे इसको लागू किया? इजी है, देखो अगर आपसे भीम ऐप पूछा जाए या रुपे कार्ड पूछा जाए तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? भूटान के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि क्यूआर कोड के साथ में कहाँ पर लॉन्च किया गया तो आंसर बनेगा सिंगापुर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है यूपीआई सिस्टम, ओनली दे आर आस्किंग यूपीआई सिस्टम, तो आंसर क्या है? अपना नेपाल, नहीं आई मीन टू से अपना नेपाल नहीं, आंसर अपना नेपाल, समझ गए ना, हाँ गड़बड़ाना मत। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ कहा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर कॉप साउथ 2022 जो है वो कंडक्ट भी करेगी और कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट भी किया? ओके, तो पहले तो ये बता दें कि ये जो है ये इंडिया की नहीं है, है ना, ये जो है ना इंडिया की नहीं है, जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बांग्लादेश इसका राइट आंसर बनेगा, इम्पॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार, सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए अभी हाल ही में यानी कि बिहार के अंदर अभी हाल ही में अनाउंस किया गया था शहीद दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, फाइन, अभी जो शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा तो इसके लिए कौन सा वाला डे चुना गया है जिस दिन पे इसका आयोजन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 15th of Feb इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ द G20 सेक्रेटरिएट एंड इट्स रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स फॉर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। सिंपल क्वेश्चन है, 2023 में किसके पास में आपको इसकी प्रेसिडेंसी मिलेगी या फिर 2022 में किसके पास में इसकी प्रेसिडेंसी है, दोनों की बात कर लेते हैं। तो 2020 में सऊदी अरेबिया था, 2021 में इटली हुआ, 2022 में इंडोनेशिया है, 2023 में इंडिया होगा, 2024 में ब्राज़ील होगा, फाइन, ये याद रखना। अच्छा बना कब है? तो 1999 में इसकी फॉर्मेशन होती है। अगला, क्विट टोबैको ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्विट टोबैको ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? WHO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब कुछ तो है जो नींद आए कम, हाँ कुछ तो है जो आंखें हैं नम, आधे मार्क करेंगे बोथ, ए एंड बी बोथ, हैं, कसम जो खाई हुई है भैया, कसम जो खाई हुई है कि जहां पर भी बोथ दिखेगा आंसर हम हमेशा बोथ मार्क करेंगे मैम, बिकॉज हमने विद्या की कसम खाई है ना। चलिए फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या है? WHO इसका राइट आंसर बनेगा। ये ध्यान रखिएगा कि 7th of April, अप्रैल में हर दिन जरूरी होता है ना, तो ध्यान रखना 7th of April, 21st of April, 22nd of April दोनों ही आपके लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि 21st of April जो है ये सिविल सर्विसेज डे होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में एक यही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाके आपको लगता है कि यस यू कैन डू समथिंग फॉर द नेशन। तो पहले तो ये हो गया, दूसरा जो है 22 अप्रैल, ये आपको मालूम ही है, अर्थ डे, वाटर डे एंड बायोडाइवर्सिटी डे, तीनों की डेट सेम है, मार्च से लेके आपको मई के बीच में मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरिडोर, बताइए फर्स्ट पूछा गया, इसका आंसर बनेगा जी अशोक कुमार जी का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया। देखो जितना जितना फर्स्ट है, पहला पहला प्यार और पहला पहला अपॉइंटमेंट दोनों ही आपके पेपर में आता है, नहीं पहला वाला स्टेटमेंट आपके पेपर में नहीं आता है लेकिन वहां से आप जो सीखते हैं वो आपके पेपर में काम आता है, कंडीशन अप्लाइड। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ फीफा क्लब वर्ल्ड कप
आपको बताना है किसके द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया, जीता गया। सुनो, हराया किसको है वो नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप स्किप कर दो। कहाँ हुआ, अबू धाबी यानी कि यूएई के अंदर कंडक्ट किया गया। किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेल्सिया। अब देखो, याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हारे लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो चेल्सिया है उस टीम को बेच के पैसा लिया जाएगा, और जो पैसा होगा वो अभी ये जो लाइक क्राइसिस चल रहा है रशिया और यूक्रेन वाला, तो इसके अंदर जो भी लोग थे उनके ट्रीटमेंट के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। अंडर सौभाग्य योजना, सौभाग्य आया है क्लास में कि नहीं आया है? अंडर सौभाग्य योजना, कौन सा स्टेट यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए? नेम द स्टेट, नेम द स्टेट, स्टेट का नाम बताना है, गड़बड़ाना मत। और हाँ, एक चीज़ और, हो सकता है कि जब तक ये क्लासेस आपके पास में आए मे भी कुछ बदलाव हो चुके हों, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो मैंने कि मार्च में रिकॉर्ड किए थे। कभी कभी थोड़ा आगे का प्लान करके चलना पड़ता है, तो अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग आप उसको देख लीजिएगा, बट ऐसा इतना ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। बट फिर भी इसका आंसर क्या है, राजस्थान इसका राइट आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। मैतरम यात्रा, आप सभी लोग जानते हैं कि कुंभ मेले के बाद में जो सबसे बड़ा एक लाइक फेयर होता है, जो मेला माना जाता है, वो आपको यहाँ पे यही वाला मिलेगा, ठीक है। ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना कि जो ट्राइब है किसके द्वारा इस ट्राइब का आयोजन किया जाता है, आपको ट्राइब का नाम बताना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये तेलंगाना में जब सेलिब्रेट होता है तो जो जैगरी होती है ना, जैगरी गुड़ जिसे हम कहते हैं, है ना, मालूम है ना गुड़, हाँ, तो उसी को यहाँ पे क्या होता है, चढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब वो होती है शिवरात्रि होती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पे फेस्टिवल होता है ना, नाइट ऑफ हर, याद आया, तो उसमें क्या होता है, अखरोट दिए जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से कई बार थोड़ा सा लाइक आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट में जाके ऐसे सवाल बन जाते हैं, तो मालूम होना चाहिए। अगला सुनिएगा, फर्स्ट एवर ऑल वीमेन ऑफिसर ऑफशोर सेलिंग एक्सपेडिशन ऑफ इंडियन आर्मी, अभी हाल ही में कहाँ के राज्यपाल के द्वारा एक ऐसा यहाँ पे शिप जो है उसको लॉन्च किया गया जिसमें सारी की सारी फीमेल्स थी, और वो ज़्यादा दूरी तक नहीं गया, ये विशाखापट्टनम के एरिया में ही घूम रहा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तमिलिसाई जी, यानी कि तेलंगाना के गवर्नर ने इसको लॉन्च किया था, और ये विजाक वाले जोन पे ही आपको देखने को मिला, दैट इज विशाखापट्टनम। नेक्स्ट सुनिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसे हम CBSE कहते हैं, कहा जा रहा है कि CBSE के अंदर किसको एज अ न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, CBSE के अंदर रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे विनीत जोशी जी का अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुआ था। अगले सवाल पे आ जाओ, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, किसको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है? देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, आपने नाम सुना, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे, टेबल टेनिस प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने अभी कुछ समय पहले बोला था कि लाइक टेबल टेनिस के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं दे आर नॉट सो गुड, मतलब नॉट सो गुड से मतलब है कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लेयर्स के लिए अच्छी नहीं है, मतलब ऐसा करके कुछ था, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट तो जानते ही हो, है ना। हद है यार, कभी कभी जीवन में क्या क्या देखना पड़ जाता है, बट कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। अब जाके समझ में आया, ओ पढ़ाना तो मैंने अब शुरू किया है। चलिए, नाम याद रखिएगा, गीता मित्तल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है। ये नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है भैया, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और दिल्ली के अंदर इन्होंने एज अ जज काम किया हुआ, चीफ जस्टिस रही हैं जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की, समझ गए, तो ये नाम याद रखिएगा, कौन, गीता मित्तल जी। अगला सुनिएगा, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अ पैनल ऑन चारधाम प्रोजेक्ट, देखो चारधाम यात्रा उत्तराखंड, ठीक है, अब बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब आपको मालूम ही है, आई नो दिस, तो वहां पे ना क्या था, एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था कि एक टनल शेप में बनाएंगे जिससे क्या होगा, कनेक्टिविटी होगी, मतलब एक रेलवे ट्रैक बनाने की बात चल रही थी, बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो देवों की नगरी है वहाँ पे नदियाँ बहुत सारी हैं, तो जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे वेस्ट होगा, और वो जो वेस्ट होता है उससे क्या होगा, उससे रिवर्स जो हैं वो हार्म होती हैं,
तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड यहाँ पर कौन थे, जिसके हेड थे रवि चोपड़ा जी। इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया था। सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, सवाल आपसे सिर्फ चारधाम यात्रा के ऊपर बनेगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन कौन से प्लेसेस आते हैं, या फिर कौन सा वाला लाइक स्टेट है जहां पर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो चारधाम प्रोजेक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, सवाल में कहा जा रहा है कि ये किताब जो है अभी हाल ही में किसने लिखी थी, बिल गेट्स ने। ये तो आप लोगों को भी मालूम है ना, कैसे कोरोना काल में हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें काढ़ा पीना है, हमें ये करना है वो करना है, अदरक खानी है ना, ये सब चीज़ें। तो बस यहाँ पे बिल गेट्स की जो किताब है, इस किताब के अंदर भी यही बताया गया है कि किस तरीके से अगर इन फ्यूचर, जैसे अभी देखोगे तो कोविड वेव तो नहीं है, बट हाँ फिर भी कुछ जगह पे केसेस तो अभी मिल ही रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि कैसे आप क्योर कर सकते हो, वो पूरी बातें इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर लिखी हुई हैं। अगला कहा जा रहा है छॉम छॉम, मुझे सबसे अच्छा इंडेक्स यही लगता है, मुझे इसका नाम बड़ा अच्छा लगता है, छॉम छॉम, यानी कि लंदन की हम बात कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबसे कंजेस्टेड जगह की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी वाली है जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है और पाँचवें नंबर पर आती है। पहले नंबर पे क्या है, इस्तांबुल। मैंने क्या कहा था, जहाँ पे हयात रहती है वहाँ पे सब लोग हयात से मिलने के लिए जाते हैं, तो भीड़ ज़्यादा होती है ना। तो इंडिया की अगर बात करोगे तो इंडिया में फिफ्थ नंबर पे जो है वो कौन है, दैट इज़ मुंबई। मतलब इस लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे मुंबई है इंडिया की तरफ से, फर्स्ट नंबर पे मुंबई है, फाइन। दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड में नंबर वन पे कौन है, इस्तांबुल है, जो कि टर्की का ही पार्ट है, जो यूरोप के एरिया में आपको मिलता है। ओके, नेक्स्ट पे आओ, यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल अभी इंडिया ने किसके लिए लॉन्च किया है, जिसके अंदर क्या होगा, उनकी भी डिजिटल पहचान होगी, जैसे हमारे यहाँ पे ना आधार कार्ड, राइट, उसी तरीके से। आंसर क्या होगा, श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। श्रीलंका में वैसे भी क्राइसिस है, और फूड क्राइसिस है, या बाकी जो क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑल, तो उसी के लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लोगों को ज़रूरत की चीज़ें पहुँच सकें, इसके लिए आधार कार्ड जो है ये एक तरीके से लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ चेयरपर्सन ऑफ SSC, बताइए। पेपर का मौसम चल रहा है, अच्छा तुम सोच रहे हो मैंने तो विश भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको विश किया था, मैंने आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेजेस ड्रॉप किए हुए हैं, तो एक बार से उनको चेक कर लीजिएगा। मे बी मैं यहाँ के थ्रू हो सकता है आपसे अभी रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, बट फिर भी आई एम ट्राइंग कि अदर प्लेटफॉर्म जो हैं उनके थ्रू मैं आपसे बात कर पाऊँ। तो किया है मैंने विश आपको, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने नहीं देख पाए हैं विशेष, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर देके आइएगा, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एस किशोर जी का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला सुनिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड द गर्ल इन द साइंसेस, कहा जा रहा है कि ये जो डे है ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 11th ऑफ फेब को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्ल्स एंड वुमेन्स को साइंस के अंदर उनका लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन, या आप कह सकते हो कि उनको भी वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइक प्रेरित करना, वो सारी चीज़ें ना वो यहाँ पर आपके लिए एज अ अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करी जाती हैं। अच्छा, अगर साइंस डे की बात आएगी तो 28th ऑफ फेब, CV रमन जी, आपको ध्यान होगा, रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, है ना। चलो अगला बताओ, यूनानी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ईजी, 11 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको सेलिब्रेट करती है, तो आयुष मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट जो है ये अभी हाल ही में इनोग्रेट किया गया, ठीक। आपको बताना है कौन से स्टेट में इनोग्रेट किया गया, जगह का नाम हम नहीं बताएंगे वरना फटाक से आंसर कर लोगे, तो आप मुझे बस ये बता दो कि इन विच स्टेट, तो आंसर क्या होगा, MP इज द राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला है ना, जो भी पहली चीज, फिर वही वाली बात, पहला पहला प्यार और पहला पहला सवाल और पहली पहली बार, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आंसर विल बी MP। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ फिनटेक ओपन, अभी नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था, फिनटेक लिखा है ना, तो सुनो अभी आपको याद होगा कि RBI ने तो अलग से एक डिपार्टमेंट ही बना दिया था फिनटेक के लिए, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली नीति आयोग ने किसके साथ में मिलके फिनटेक को लॉन्च किया है, दिस इज जस्ट लाइक अ कॉम्पिटिशन जहाँ पे आपके आइडियाज को इन्हांस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है फोन पे के साथ में इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, भारत पे
इसके को फाउंडर का नाम बताओ जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना रिजिग्नेशन दिया था, जल्दी से इसके को फाउंडर का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। चलो अगला बताओ, सोशल मीडिया जिसने लॉन्च किया टेक अ ब्रेक कैंपेन, कौन सा टेक अ ब्रेक कैंपेन? इसका आंसर बनेगा इंस्टाग्राम। इसके अंदर बोला गया था कि जो यूथ है आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अपना जो समय है वो सोशल मीडिया के ऊपर इन्वेस्ट करता है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा कम करना चाहिए। मैं भी आपको यही बोलती हूँ, जितना एक बार अगर तुमने यूट्यूब खोल लिया बेटा, है ना, फिर तुम्हारा मन होगा ये भी वीडियो देख लें, वो भी वीडियो देख लें, ये भी कर दें, वो भी कर दें, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी, फिर आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी जग जाती है। बट जब तक आप अपने दिमाग को नहीं समझाओगे कि आपको बस इतना ही देर के लिए, इतने ही टॉपिक के देखने के लिए, इतना ही आपको पढ़ने के लिए यूट्यूब खोलना है, तब तक आप समझ लो, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक सब इस्तेमाल करो, सबका अपना एक समय होता है, है ना। अब आप मेरे से पूछो तो आप जानते हो हम तो हफ्ते में एक बार इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं, कभी कभी होता है कि कुछ अपडेट करना है तो हाँ इंस्टा पे आ गए, अदरवाइज आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, आप सीखते कम हो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ये जो है ना एक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप इस्तेमाल करिए, नो डाउट, बट एक लिमिट तक इस्तेमाल करिए, किसी भी चीज़ की अति कभी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इंस्टाग्राम इज द राइट आंसर। चलिए अच्छा, तो आई होप कि आपने प्रॉपर रिविजन किया होगा। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह भी, ऐसा नहीं है मैंने आपके लिए क्लासेस को यहाँ पे रखा है, कल सुबह भी क्लास होगा, जो कंटेंट आपका भी ये रहा जा रहा है डोंट वरी वो मैं कंप्लीट कराऊंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा आपका नया पेड बैच हर वेडनेसडे को स्टार्ट होता है, आप प्रति 10 कोड यूज़ करके किसी भी कैटेगरी में जाके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आइकॉनिक फीचर है, आस्क अ डाउट है, टेस्ट सीरीज भी है, रेज योर हैंड भी है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे एक बार से टेलीग्राम ज़रूर चेक कर लेना कि अगर कोई भी लाइक आपके लिए ऑफर वगैरह होगा तो आई विल शेयर दैट, वहाँ पे हम आपको शेयर कर देंगे, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। प्रति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम में, वहाँ पे देख लीजिएगा। एक साल की फ़ी, दो साल की फ़ी, यहाँ पे कोड लगेगा प्रति 10, और आपको ये क्या करना है, प्रोसीड टू पे करना है। हाउ वाज द सेशन कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलना, और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो चलो फिर जल्दी लाइव मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। और जितना भी आपको टाइम अभी मिल रहा है जस्ट यूज़ इट फॉर योर रिविजन सो दैट तैयारी अच्छी हो सके, डोंट वेस्ट इट, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।